हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 फरवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एस्ट्रल में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें 4.5% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे 1856.90 पे देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा है जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने वाला, कैंडल बहुत यहाँ पे बड़ी आप देख सकते हैं बनी हुई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आरएसआई की, 36-37 के आसपास यहाँ पे हमारा आरएसआई आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है पॉजिटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड स्टॉक में अपसाइड मुझे 1870 के आसपास 72 के आसपास सबसे पहले देखने मिला और उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है वो हमें 1908 तक आते हुए देखने मिल जाएगी। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको यहाँ पे जो है जानना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लेवल्स, तो ऑलरेडी हमने स्टॉक का जो रिसेंटली एनालाइज किया था उसको आप जरूर देख ले। फिलहाल जो है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है डेटा में, इसके वजह से मैं आपको वापस से नहीं बता रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बनार के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलेगा। यहाँ पे बनार का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारे के सारे यहाँ पे मार्क्ड है, लेकिन कुछ डिफरेंट डेटा बना उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की बात करें तो 1856 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1849 का, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1872.30 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख लें, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट तो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1832 का, उसके बाद कहता है 1815 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1884 का, उसके बाद कहता है 1895 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग है एक्सपेक्टेड है, 1872 से लेकर 1884 के रेंज में क्लोजिंग जो हमें देखने मिले। बाकी अगर थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई स्टॉक जो है फिर नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में, लेकिन जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के दिन। तो ओवरऑल कल के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो भी क्लोजिंग हमें पॉजिटिव में आते हुए देखने मिल जाएगी। ओवरऑल कल के दिन आज के क्लोजिंग में वैसे इस रेंज में हमारी एक्सपेक्टेशन कल के लिए, आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।